हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी टूडन कप 2023 के पहले मैच में उतरी थी शिलोंग लाजोंग एफसी के खिलाफ अपने होम ग्राउंड में शाम 6 बजे से। तो दोस्तों ये मैच शुरू होने से पहले नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टीम थी और वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है जुआन पेड्रो बेनाली की टीम के तरफ से। तो दोस्तों आज जुआन पेड्रो बेनाली ने प्लेइंग 11 में दो विदेशी खिलाड़ियों को यूज़ किया था, रोमन फिलिफोटो और मिचेल जुबैको को, और दोनों ही विदेशी खिलाड़ियों ने बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो दोस्तों शुरुआती मिनट से ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग मूड में लग रहे थे और उसी के कारण पहला गोल मिल जाता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को 26वें मिनट में पार्थिव गोगोई के द्वारा, और उसके बाद 36वें मिनट में रोमन फिलिफोटो ने एक पेनल्टी जीता और उस पेनल्टी को बिल्कुल बिना किसी भूल के गोल में तब्दील कर दिया रोमन फिलिफोटो ने, और फर्स्ट हाफ का खेल 2-0 पर ख़त्म होता है। और दोस्तों सेकेंड हाफ में भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे थे और शिलोंग लाजोंग एफसी के डिफेंडर्स काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थे सेकेंड हाफ में भी, और इसी प्रेशर के कारण नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को इस मैच का तीसरा गोल मिलता है और पार्थिव गोगोई को इस मैच का दूसरा, और 70वें मिनट में पार्थिव गोगोई एक और गोल स्कोर करते हैं और इस गोल के साथ पार्थिव गोगोई ने इस मैच का हैट्रिक भी पूरा कर लिया था और फुल टाइम का स्कोर 4-0 होता है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने टूडन कप 2023 का शुरुआत 4-0 के जीत के साथ किया है, और रोमन फिलिफोटो, मिचेल जुबैको, गौरव बोरा, खासकर पार्थिव गोगोई, इन सारे खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने इस मैच को जीतकर 4-0 से ये साबित किया है कि वो आने वाले सीजन के लिए और आने वाले मैचेस के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चले दोस्तों फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था, और आप इस मैच का ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन पर बताना। तो अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।